हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वैन यूट्यूबर। दोस्तों जो है आज हम एंकर के टू पिन प्लग के रेट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वैसे तो आप जानते हैं कि मैं रेट वगैरह के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करता हूँ, लेकिन बात ऐसा कुछ हो गया कि मुझे एंकर के टू पिन प्लग के रेट के बारे में डिस्कस करना पड़ा। कहानी क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि दोस्तों जो है मैं एक ग्रुप चलाता हूँ वैन यूट्यूबर के नाम से, चैनल के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप हुआ है, तो उसमें बहुत सारे स्टेट के बहुत सारे ज़िलों के जो है हमारे व्यूवर जुड़े हुए हैं, जिनका नंबर मतलब मेरे पास है, उन लोगों को मैं जोड़ा हूँ। तो उन लोगों के द्वारा उस ग्रुप में एंकर के टू पिन प्लग का जो है रेट पूछा गया था कि ये जो है इसका क्या रेट है। तो इसका जो है रेट मुझे ऐसा मिला हुआ है, क्योंकि तीन से चार ही दिन पहले जो है ये माल अभी मैं लेके आया हूँ एंकर का टू पिन प्लग, तो तुरंत मुझे रेट इसका याद था। और जो रेट में ये मिला है ना, मुझे भी वो रेट में यकीन नहीं हो रहा था कि यार एंकर का सामान इतना सस्ता कैसे मिल सकता है। लेकिन हकीकत इसमें क्या है, ये तो जो है मैं अभी आज जाके कंफ्यूजन में आया हूँ कि लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती हो रही है, या मुझसे गलती हो रही है, या उन लोगों के साथ जिन लोगों ने और जो है इसको ख़रीदा है, या अलग स्टेट से, जैसे कुछ लोग बिहार से, कुछ लोग पंजाब से। तो मैं सोचा यार चलो आज जो है आप सभी लोगों से जो है इसके बारे में बात करते हैं। तो उस ग्रुप में स्टार्ट कहाँ से होगा, मैं आपको जो है अपने स्क्रीन पे पहले मैं दिखाता हूँ कि क्या क्या बातें हुई, पूरी बातें आप समझिएगा, उसके बाद से फिर बाकी चीज़ें जो है मैं इसके बारे में आपको बताऊँगा। अभी टू पिन प्लग निकाल के भी दिखाऊँगा कि कैसा टू पिन प्लग है, जो लोग नहीं देखे होंगे और जो लोग इसके बारे में देखते हैं तो उसके बारे में इसकी छोटी छोटी बारीकियाँ भी बताऊँगा जो अभी तक डिस्कस हुआ है। तो इसकी शुरुआत होती है कहाँ से, वो मैं आपको ले चलता हूँ वहाँ पे। एक मिनट, हाँ ये आया हुआ है, हाँ अब आप स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, मैं स्क्रीन रिकॉर्डर जो है दूसरे वाले मोबाइल में चालू कर दिया हूँ और उसका वीडियो जो है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो शुरुआत होती है एक निज़ाम माधेपुर दरभंगा बिहार के भाई हैं, उन्होंने जो है फ़ोटो डाला था टू पिन प्लग के डब्बे का, आप देख सकते हैं ये है टू पिन प्लग का डब्बा, एंकर टू पिन प्लग उल्टा डब्बा है और ये डब्बा खुला हुआ है। तो इन्होंने लिखा न्यू मॉडल टू पिन टॉप एंकर का, ठीक है, 15 हमें एंकर का, मतलब इन्होंने पूछा कि इधर दिया था ये, इन्होंने जो है ये वाला डब्बा जो भी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इसका इन्होंने रेट पूछा था कि गोरखपुर में इस समय इसका रेट कितना होगा। तो इस समय जो है मैं ये माल लाया नहीं हूँ, ये जो माल है ये माल मैं ले आया हूँ, और ये पूछे थे गिरजेश प्रजापत खलीलाबाद के रहने वाले, सॉरी इन्होंने पूछा था। और उसके बाद से निज़ाम माधेपुर ने जो है जो लेटेस्ट वाला न्यू मॉडल वाला आया हुआ है वो जो है डब्बे डालते हैं कि न्यू मॉडल का जो है टू पिन टॉप एंकर का। उसके बाद नीचे योगेश सिंह यादव लखनऊ यूट्यूब से जो है ये है, तो इन्होंने लिखा 15 में हमको लखनऊ में मिलता है, ठीक है। उसके बाद योगेश सिंह लिखते हैं दिवाली की लाइट का रेट बता दीजिए, अच्छा उसके बाद गिरजेश प्रजापत खलीलाबाद लिखते हैं 15 में मिलेगा तो बिकेगा कितने में, तो बिकेगा कितने में वो तो आपके ऊपर कितने में बेच लेते हैं। फिर निज़ाम माधेपुर लिया ये लो RS 1566 का आता है, लो सबका अपना अपना जहाँ जहाँ का रेट है। अभिषेक मिश्रा बस्ती से लिखते हैं इस टाइम एंकर इनका वायर का रेट का मसला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, टू पिन प्लग पे हम आते हैं। तो इसी तरह से लोगों की चर्चाएं चल रही थी, तो उसी में मैं जब देखा तो मैं लिखा ये मुझे 10 का मिला है, जो हकीकत है। अब ये 10 का जब मैं बताया कि मिला है तो लिखते हैं अभिषेक धनबाद के कि सच में ना, मतलब उन्हें यकीन नहीं हुआ, विश्वास नहीं हुआ कि मुझे 10 में जो है ये मिला। फिर लिखते हैं कहाँ सर, स्क्रीन पे आप देखते चलिए, मैं इसी वजह से स्क्रीन रिकॉर्डिंग में जो है आपको दिखाते चल रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन इसको समझिए। तो थोड़ा सा मैं जब आदमी इस तरह का कि सच में सर, तो मैं सोचा यार कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये गलत रेट लग गया है, मतलब कहीं मैं गलत बता दिया हूँ सर बहुत सस्ता। तो मैं लिखा यह कितने पीस का डब्बा, और हकीकत है मैं कंफर्म नहीं हो पा रहा था कितने पीस का डब्बा, मैं काउंट किया था लेकिन जब इस तरह की बात आई तो मैं कंफ्यूजन में हो गया। तो मैं लिखा यह कितने पीस का डब्बा है, 20 या 30, मैं थोड़ा कंफर्म नहीं हो पा रहा हूँ, मैं गिना था 30 पीस का डब्बा था, मैं गिना था 30 पीस का डब्बा था लेकिन फिर मैं कंफर्म कर रहा। फिर गिरजेश प्रजापति लिखते हैं
यह कहाँ पर मिलेगा? RS-10 में सबसे सस्ता मल्टी होल्डर, अच्छा इनका छोड़ दीजिए, निजाम माधेपुर जो बताते हैं कि 30 पीस का है, ठीक है, इन्होंने कंफर्म किया। फिर एक भाई और हैं, ये क्या लिखते हैं, फिर प्रभात जी आ जाते हैं, वो भी बताते हैं, प्रभात सिंह गोपालगंज से, 30 पीस का है, मैं कल ही लाया हूँ, वो कल ही लाए थे, कितने का, प्राइस क्या है, ठीक है। फिर प्रभात जी जो है अपने डब्बे का फ़ोटो खींच के जो है डालते हैं, जैसा कि उन्होंने पहले डाला था, ठीक है, बकायदे अच्छे से फ़ोटो डाले हुए हैं, आप देख लिए, खुला हुआ डब्बा भी डाले हुए हैं। प्राइस कितना है इसका पूछते हैं ये जगदीश कुशवाहा जी, अनवार विहार प्राइस, प्रभात सिंह लिखते हैं कि 450 रुपया डब्बा। बिकता कितने का है अनवार, अभी तक किसी में परेशान है। उसके बाद निजाम माधेपुर लिखते हैं 20 का, प्रभात सिंह लिखते हैं 20 का, MRP कितना है, MRP आपको दिखाई दिया गया है, हैवी में है, मैं आज 25 रेट से 2 सेल किया, प्रभात सिंह गोपालगंज, ठीक है। निजाम माधेपुर लिखते हैं 27, प्रभात सिंह जी फिर फोटो डालते हैं, फिर निजाम माधेपुर सॉरी ब्रो क्या है, क्या मैटर नहीं है, मैंने लिख दिया कि मुझे 299 रुपया डब्बा मिला है, जबकि मुझे, मैं शेयर नहीं करता हूँ, लेकिन ये टू पिन प्लग की बात है, मैं काफ़ी खुद कन्फ्यूज हूँ, और कन्फ्यूज इस वजह से हूँ कि जब मैं ये सामान लेके आया ना, और जब मैं रेट देगा उसके बाद से मैं खुद कन्फ्यूज हो गया, क्योंकि मेरी गोरखपुर में साइट चल रही थी, अगर आप लोग ब्लॉग वाले चैनल पे होंगे तो जानकारी होगी, तो वहाँ पे जब मेरे ग्राइंडर का टू पिन प्लग टूट गया, तो मैं जब गया लगाने के लिए, तो एंकर का यही टू पिन प्लग मुझे वहाँ 25 रुपये में दिया गया, और जब मैं खरीद के ले आया तो मैं चक्कर में पड़ गया यार, कि मतलब मुझसे डबल से भी ज़्यादा जो है अगले ने प्रॉफिट लिया, तो मैं कंफ्यूज हुआ। लेकिन अभी यहाँ पे चर्चा होने के बाद से क्या चल रहा है वो आप देख सकते हैं। निजाम माधेपुर जो है भैया, आपको तो बहुत सस्ता मिल गया, ठीक है, हाँ भाई सस्ता तो मिला, लेकिन इसके पीछे की क्या हकीकत है, अब मैं इसे पता करने के चक्कर में कल मैं जो है होलसेलर को कॉल करके इसको पता करूँगा कि ये सही है कि गलत है, रेट जो लगा हुआ है ये सही लगा हुआ है, यही रेट हकीकत में है या गलती से लग गया, क्योंकि हो सकता है कि गलती से लग गया हो। फिर मैं उन लोगों को अपना पर्चा भी भेज दिया, पर्चा आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाता हूँ कि जो रेड पेन से टिक किया हुआ है ना, टू पिन टॉप एंकर जो है एक बॉक्स लेके आया, 299 का वो लगा हुआ है, आपको दिख गया होगा, थोड़ा और जूम कर देता हूँ, देख लीजिए यही लगा हुआ है। उसके बाद से फिर प्रभात जी से हमारी बात हुई है, ठीक है, फिर दिवाली लाइट का कुछ सैंपल आया था वो मैं डाल दिया। तो ये तो जो है रहा इसकी रिकॉर्डिंग, और ये चीज़ें जो है मैं आपको दिखा दिया, मैं अपनी चीज़ें बता दिया, बाकी आप लोग जो है कहाँ से कौन है और इसका रेट क्या है, आप लोग जो है एक बार हमें इंस्टाग्राम पे कमेंट में भी डाल दीजिए, कोई मैटर नहीं है, ग्राहक भी देखेगा तो कोई मैटर नहीं है। इस पर आप देख सकते हैं कि MRP जो है 26 लिखा हुआ है। हाँ एक चीज़ और मैं ध्यान दिया हूँ, जैसे प्रभात भाई ने हमें अपना मतलब ये टू पिन प्लग का फ़ोटो खींच के भेजा था, तो इस पे जो कोड लिखा हुआ ना, मेरे पे 3043 कोड लिखा हुआ है, 3043, और उनके पे 3043 IV लिखा हुआ है, ठीक है, रोमन अंक में उसे वो लिखा हुआ है, लेकिन IV मैं उसको पढ़ रहा हूँ इसी तरह से, तो ये कन्फ्यूजन है। तो अब यार अब कल जो है ये कन्फ्यूजन क्लियर होगा कि क्या है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो है गलती से जो है ये रेट लग गया। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है अपना रेट बताने की कोशिश करें, अगर ज़्यादा लोगों का रेट सेम है तो कहीं ना कहीं दुकानदार ने जो है मुझे गलत रेट लगा के दे दिया, मतलब कम रेट लगा के दे दिया, बाकी जो रेट अगर ज़्यादा लोगों का जो रेट मैच खाएगा वही रेट इसका रियल में होगा। तो कमेंट करके आप ज़रूर बताएं, और नेक्स्ट वीडियो जो है किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं वो भी जो है मुझे कमेंट करके बताएं। बहुत ही नॉलेजफुल टॉपिक तो आज का नहीं है, लेकिन आप लोगों के साथ जुड़ा रहता हूँ तो छोटी छोटी चीज़ें जो है शेयर करना चाहता हूँ। अब तो सोचा पैकिंग क्या पाड़ूँ, बस ऐसे ही आपको दिखा दिया हूँ, बाकी जो है इस पे जो डब्बे पे सेम बना हुआ है ना टू पिन प्लग, यही टू पिन प्लग आपको दिख रहा होगा वैसे ही, और आप लोगों के पास खुद ही होगा, जिनके पास नहीं हो तो ये माल आप लेकर आएँ। मतलब ये टू पिन टॉप जो है काफ़ी अच्छे क्वालिटी में 1500 वाट का जो है आपका ग्राइंडर वगैरह ड्रिल मशीन वगैरह सारा कुछ का लोड बढ़िया से ले लेता है। वैसे इसे सस्ते में जो है JMD का हमारे पास है, वो भी जो है अच्छा जो है काम करता है इसी तरह से क्वालिटी में, छोटे में लेकिन ठोस में।
तो बाकी जो है हमेशा की तरह से आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि यार नेक्स्ट वीडियो जो है किस टॉपिक पे आप देखना चाहते हैं कमेंट करके हमें आप बताते रहे, जिससे मैं जो है आप लोगों के लिए हमेशा जो है नई नई वीडियो बनाता रहूँ। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं की तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए। और क्या कहने जा रहा था, थोड़ा सा हाँ, इसके रेट के बारे में जो है कमेंट करके ज़रूर बताइए अगर आपके वहाँ माल ये आया हुआ है, कब लेके आए हैं, क्या रेट का आपको मिला है, किस स्टेट से आप हैं या किस ज़िले से हैं, ये जो है ज़रूर आपके लिए करिए। तो चलिए मिलते हैं फिर इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जाएंगे।